फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह 6:30 का ये टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने रेगुलर एक्सरसाइज पे, अपने वर्कआउट पे। और इस टाइम तक अपने बेटे को मैं छोड़ के आ गई हूँ स्कूल बस में। और टिफ़िन में आज मैंने उसके लिए बना दी थी भिंडी और पराठे और बस एक ग्लास दूध, वो यहाँ पे पी के चला गया है। झाड़ू मेरी लग गई है, ऊपर प्लांट्स में मैंने पानी डाल दिया है। आज मोस्टली क्या है, मैं आके लग जाती हूँ अपनी एक्सरसाइज में, प्लांट्स में पानी रह जाता है और फिर धूप निकल जाती है ना, इतनी गर्मी हो रही है फिर जाने की हिम्मत नहीं होती है। और वॉक मैंने कर ली थी सुबह में 5 से 5:30 तक, तो अभी मैं बस आधा घंटा करूँगी एक्सरसाइज। तो मैं यहाँ पे जितने जो भी करती हूँ ना, इसके मैं 10-10 काउंट के 3 से 4 मैं रेपिटेशन राउंड कर लेती हूँ। अब बाकी अपनी शरीर के ऊपर है, जब शरीर जवाब दे देता है तो मैं छोड़ देती हूँ। तो चलिए, और कोई भी काम करने के लिए ना एक स्टार्ट की ज़रूरत होती है। एक बार आप मन बना के स्टार्ट कर लो तो फिर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम रेगुलरिटी बनी रहती है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्योंकि एक्सरसाइज से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, इतना टाइम हो गया 40+ की मैं इस टाइम पर हूँ, तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए जब स्टार्ट करना, अपने मन को मज़बूत बनाना। पर यह है कि अब मैंने कर दिया है ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो किसी भी काम को करने के लिए ना एक स्टार्ट की ज़रूरत होती है, बाद में तो वो होता रहता है। अभी जैसे मेरे थाइस में और हाथों के उसमें ना बहुत ज़्यादा नसें खिंचती थी, पेन भी होता था, तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी कम हो गया है। तो चलिए, बस मैंने अपना एक्सरसाइज वाला रूटीन कंप्लीट किया, उसके बाद 15-20 मिनट लिया रेस्ट और फिर मैंने बेटे को दिला दिया यहाँ पे शावर। और इसके बाद मैं शावर लूँगी, क्योंकि ये इतना बड़ा और लंबा है ना, इसको शावर दिलाने में मैं पूरा भीग जाती हूँ, तो इसको मुझे पहले ही दिलाना होता है। बस यहाँ पे मैंने इसको फ्रेश कर दिया है, ऑयलिंग वगैरह कर दी है इसकी और इसके बाल बाल बना दिए हैं, अब वो बैठ गया है। उसके बाद मैं भी शावर लेके आ गई हूँ फटाफट से, और इतनी गर्मी हो रही है, आज मैंने ये वाला सूट डाल लिया। और ये वाला सूट ना, पता है कोई यकीन नहीं करेगा, ये 6 से 7 साल पुराना सूट है। और ये किसी किसी का कपड़ा ऐसा निकलता है ना कि ये ख़राब भी नहीं हुआ, ना ही इसकी जो शाइनिंग होती है ना कपड़े की, वो भी नहीं गई है, काफ़ी अच्छा सा मुझे लगता है। और इतना सॉफ्ट फैब्रिक है ना, इसका फील ही नहीं होता कि हाँ कुछ है, बहुत अच्छा है और गर्मियों के पर्पज़ से। तो चलिए, बस यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और शावर वगैरह हो गया है, मैंने उसको भी शावर दिला दिया है। और इतनी गर्मी होने लगी है ना कि शावर लेने के 10-15 मिनट के बाद ही हालत ख़राब होने लगती है। और मैंने हाई पोनी बना ली है, मतलब पोनी बना ली है। आजकल ना क्लेचर जैसे बाल ना गर्दन पर बर्दाश्त नहीं हो रहे, हालांकि मेरे फेस पे ये इस तरह से टाइट बाल अच्छे नहीं लगते, बट अच्छे ना अच्छे लगने की ज़रूरत ही नहीं है, बात है इस टाइम पे ज़रूरत की, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं होती है। और मेरे बालों का टेक्सचर ना इतना ख़राब हो रखा है, एक तो मेरे पहले से ही ना फ्रिजी बाल हैं और कोरोना में इतने बाल झड़े थे ना मेरे, मैं मतलब मैं गंजी होने लगी थी। लेकिन अब ना ये बेबी हेयर निकल के आ रहे हैं, तो ये ना पीछे जाते ही नहीं है, मतलब छोटे छोटे से हैं, कुछ इतने हैं, थोड़े से वो निकल के आ रहे हैं ना, ग्रोथ हो रही है, तो इनको ना मुझे ऑयल से इस तरह से करना होता है, बिल्कुल चपटू टाइप का मुझे बनना होता है। तो चलिए कोई नहीं, कम से कम गर्मी से तो बचेंगे, क्योंकि गर्दन पे बाल आते हैं ना तो हाय बड़ी बुरी हालत होती है। और हाँ, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, जो मैंने परसों वीडियो अपलोड की थी अपने वर्कआउट की, आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत प्यार दिया। तो एक ना मतलब कि होता है ना कभी कभी कि अगर आप डाउन भी फील करते हो तो अगर इस तरह से मोटिवेट मिलता है ना, मतलब मोटिवेशन मिलता है ना, तो आप एकदम से बूस्टअप हो जाते हो। तो मैं फुल्ली चार्ज अप हो चुकी हूँ, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ, अपने वर्कआउट को मैं नहीं बंद करने वाली हूँ, चाहे मुझे कितना ही पेन हो या कुछ भी हो, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। और होप फॉर बेस्ट रिजल्ट भी मुझे बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि गुड फैक्टर, गुड फीलिंग मुझे आ रही है अंदर से ना, इतना अच्छा लग रहा है। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना, कसम से मतलब इतना मजा आया मुझे उस वीडियो को देख के ना, आपका रेस्पॉन्स देख के। तो प्लीज अपना प्यार रेस्पॉन्स ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं कभी बोलने में जल्दबाजी कर जाती हूँ, कुछ मतलब बोलना कुछ और चाहती हूँ, वो निकल कुछ और जाता है मुझसे। तो चलिए कोई बात नहीं, मतलब मैं झल्ली टाइप से बोलती हूँ, आप उस चीज को ना अवॉइड कीजिएगा, कभी कभी होता है मेरी टंग स्लिप हो जाती है। तो चलिए कोई नहीं। और अब मैं, टाइम ना 11 बज गए हैं, लेकिन मेरा पूरा घर सेट है, ऑलमोस्ट सारा काम डन है। अब मैं खाना बनाऊंगी अभी 1 घंटे के बाद में, थोड़ी देर मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ और आपको दिखाती रहूंगी कि शाम तक क्या क्या होगा, कैसे होगा।
आजा मम्मी के पास ले, आजा 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 आजा, बातें करो। अच्छा बोलो पापा, पापा, मम्मा, मामा, मम्मा, माँ, मम्मा, बाबा, 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 नाना, 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 चलो बोल, नाना, नाना, बोल, नन्ना, 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 नन्ना नोली दूध की कटोरी। आप नेल्स हो गए, तेरे नेल्स नेल्स कट करने पड़ेंगे। हाँ क्योंकि जल्दी हो जाते हैं तेरे नेल्स एकदम से, ऐसे ना कर, चल अभी कट करूँगी नेल कटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स टाइम हो चला है, 2:30 बज गए हैं और यहाँ पे मेरा लंच बन गया है। बस मैं अपने लिए एक चपाती डाल ले रही हूँ, दोनों बच्चे तो मेरे चावल ही खाने वाले हैं, वो दिन में ना चपाती पसंद नहीं करते, उनके लिए दाल चावल ही होते हैं। तो मैं एक छोटी सी चपाती अपने लिए बना रही हूँ। उधर साइड में वो एक खीरा पील करने की कोशिश कर रहा था, बोल रहा था मम्मी मैं कट करता हूँ, आज मैंने उसको दे दिया लेकिन वो ना छील नहीं पाया। ये वाला जो पीलर है ना वो सही से चलता नहीं है, मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो उससे नहीं, मैं बोल भी रही थी कि नहीं हो पाएगा, फिर भी उसने चलो कोशिश की। तो बस यहाँ पर मैं उससे लेके खीरे को कट कर दे रही हूँ। और गर्मी इतनी लगी थी ना जब ये स्कूल से आया, ऐसी हालत होती है इसकी जैसे पिलपिला आम नहीं होता। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कुछ टाइम के लिए ना ऐसे ही रह ले तो अच्छा रहेगा। आज की मेरी लंच थाली, आज मैंने बनाए हैं उड़द, थोड़ी से चावल ले लिए, एक चपाती और ढेर सारा खीरा ले लिया है मैंने। तो बस चलिए अब मैं करती हूँ अपना लंच इंजॉय। और आज बस मैंने उड़द बनाए थे, वो भी थोड़े से ही थे, तो जितने थे ना वो सारे ही बना लिए। एक्चुअली ग्रोसरी मेरी ऑलमोस्ट फिनिश हो रखी है तो मेरे को मंगानी पड़ेगी। और आज सब्जी नहीं बनाई मैंने, तो आज बस हम लोगों का लंच था दाल चावल और सैलेड, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी क्या, एक चपाती, और उसमें से आधी चपाती मेरे बेटे ने ले ली है। और उसके बाद हम लोगों ने किया रेस्ट। अब बज रहे हैं 4 शाम के, 4:30 का ये टाइम था और मैं लग गई थी ये कपड़ों में, और ढेर सारे कपड़े हो गए हैं, बेटे ने ला के यहाँ पर डाल दिए। एक्चुअली कल भी लगाए थे मैंने, कल वाले कपड़े भी हैं, फोल्ड नहीं किए थे कल और आज के, यानी कि 2 दिन के कपड़े। और एक दिन फोल्ड ना करो ना तो कितना पसारा फैल जाता है, ये भी एक टास्क होता है कपड़ों को समेट के रखने का। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं सारे कपड़ों की तह, बेटे ने रख दिए हैं कबर्ड में, और जब तक मैंने तह लगाई ना बेटे ने लगा दी थी पूरे घर में झाड़ू। मैं सुबह और शाम 2 बार झाड़ू निकालती हूँ, तो शाम वाली ये बोलने लगा मम्मी चलो मैं लगा देता हूँ, मैंने कहा चल ठीक है तू लगा ले। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ वाटरमेलन और हम लोग खा ले रहे हैं। छोटे बेटे को मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है ये, तो उसको मैंने पहले खरबूजा खिला दिया है, वो खरबूजा खाता है, ये नहीं खाता तरबूज। और तरबूज मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत 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 पसंद है। इसके बाद हम लोग ऊपर गए, पानी वानी डाला प्लांट्स में वही, और मेरे को ना अचानक से इतना हेडेक होने लगा था कि मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं हुआ। यहाँ पे भी मैंने फटाफट से बस आलू की सब्ज़ी बना ली है और मैंने चपाती बना ली, बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा। इस टाइम पे जब सर दर्द होता है ना तो पूरा ऐसा हो रखा, बस मतलब बहुत तेज़ वाला हो रखा है। मैंने दवाई भी खाई, दवाई खा के मैं बस लेटी रही, बेटे ने चाय बना के दी, मैंने चाय पी ली। वैसे मैं नॉर्मली चाय पीना बंद कर रखा है लेकिन आज जब इतनी तेज़ सर में दर्द हुआ ना तो फिर मैंने पी लिया। बस फटाफट से एक चपाती खा के और मैं जाने वाली हूँ बेड पे, रेस्ट करूँगी, बाकी सारा काम देखती हूँ जब मूड होगा बाद में, अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। वेलकम अगेन फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग, मैं बना रही हूँ यहाँ पे बच्चे के लिए, मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया है। टिफ़िन के लिए मैंने बनाई है भिंडी और पराठे। और मेरे ना अभी भी सर में दर्द है, मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, अनईजी सा हो रहा है मुझे, अच्छा अच्छा सा, जैसे कहते हैं ना गुड फैक्टर, वो वाली बात नहीं आ रही है। तो चलिए उधर मैंने उसका टिफ़िन तो ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है, वो रेडी हो रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंगो शेक, इस सीज़न का पहला मैंगो शेक मैं अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो ओला मम्मी मैंगो शेक बना दो, आज पराठा खाने का मन नहीं हो रहा है, मैंने कहा चल ठीक है। तो बस मैं आधा ही काम कट कर ले रही हूँ, काफ़ी बड़ा सा है ये और इसमें 2 ग्लास आराम से बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थिक वाला नहीं पीते हैं, पतला पतला सा पीते हैं, दूध ज़्यादा डलता है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से इसमें शुगर ऐड कर दे रही हूँ और आधा आम ले लिया है, साथ में मैं डाल दूँगी दूध। तो इसमें मैंने लगभग 1.5 ग्लास दूध डाल दिया धीरे धीरे करके, और जब मैंने इसको चलाया ना तो बड़े बेटे की भी आँख खुल गई, उसको लगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है, वैसे वो सोता रहता है तो वो भी उठ गया था। फिर मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया था तो 1 ग्लास मैंने उसके लिए भी बना दिया, और वो ना पी के फिर सो गया, सो जाता है आराम से, मतलब इसके बाद वो आएगा पिएगा और सो जाएगा।
तो चलिए अब हम इंजॉय करेंगे अपने इस सीज़न का पहला मैंगो शेक। और मैंगो शेक मतलब अच्छा तो लगता ही है, हालांकि मैं ये चीज़ें अभी अवॉइड कर रही हूँ, इसमें शुगर भी है, आम है, ये सब कुछ दूध है, तो भी फिर भी मेरा सोचा कि थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, लाइक आधा कप। तो छोटे से ग्लास में मैंने उसमें आधे से आधा 1/4 मैंने उसको ले लिया है और इसको काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे मैंने इसका टिफ़िन भी रख दिया है, तो बस टाइम हो चला है 6:10 का, 2-3 मिनट में हम लोग निकल लेंगे और फिर मैं इसको ड्रॉप करके आ जाऊँगी। तो लाइक मैंने भी आधा सा ले लिया है, थोड़ा सा आधा कप, और मूड ख़राब है क्योंकि अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। तो बेटा भी बोला था मम्मी क्या हो गया, मैंने कहा वही सर का दर्द, दवाई भी खा के सोई ना, लेकिन कम तो हो गया, काफ़ी हद तक ठीक हो गया, लेकिन अभी भी भारीपन सा फील हो रहा है। और एक साइड में हो रहा है, लेफ़्ट वाली आइज़ में हो रहा है और उस जैसे कनपट्टी वाली साइड में हो रहा है, पूरे सर में नहीं है, उसमें साइड को है, आइज़ की साइड को। तो चलिए देखती हूँ, अभी थोड़ा घूम के आऊँगी बाहर, इसको छोड़ने जाऊँगी ना तो 10-15 मिनट टहल के आऊँगी। और आज ना अच्छा हवा सा चला हुआ है, लेकिन धुंध है, मिट्टी वाली हवा चल रही है, मतलब मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो बस मैं यहाँ पे इसको बस पे ड्रॉप करके आ जाऊँगी, फिर 2-4 राउंड लगा लूँगी, तो ताज़ी हवा लेके क्या पता थोड़ा अच्छा सा लग जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय।